भाद्रपद माह हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान विभिन्न तिथियों पर देवी देवताओं की पूजा और व्रत रखने से साधकों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर साल बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी का जन्म हुआ था। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस पर्व को लल्ही छठ, हल छठ, हलधर और हलषष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती का यह पर्व कृषि, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कई शुभ योग भी बनते हैं, जिनका प्रभाव विभिन्न राशियों पर देखा जा सकता है। बलराम जयंती 2024 महासंयोग का निर्माण। इस साल बलराम जयंती का व्रत 25 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक है। यह मुहूर्त भगवान बलराम जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। बलराम जयंती पर खास तौर से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। इस विशेष संयोग के कारण इस दिन पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व है और यह दिन मनोवांछित फल देने वाला होता है। राशियों पर बलराम जयंती के शुभ योग का प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए बलराम जयंती का दिन बहुत सौभाग्यशाली होगा। व्यापार में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, खासकर साझेदारी में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। इस दिन रुके हुए कामों में तेजी आएगी और जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। जो लोग किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए यह दिन बहुत शुभ रहेगा और वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में रुकी हुई पदोन्नति मिल सकती है और जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इसमें सफलता मिलने की संभावना है। अविवाहितों के लिए शादी के योग बन रहे हैं और भाई बहनों के बीच यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह समाप्त होगी। सिंह राशि के जातक भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन किसी नए निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या में बदलाव की आवश्यकता महसूस होगी। इस दिन अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और अनचाहे शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को मन में चल रही उलझनों का समाधान मिलेगा। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें जल्द ही सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यों की व्यस्तता के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बलराम जयंती का दिन खुशियां लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश करने का यह सही समय है। नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं और लेन देन के लिए भी दिन अनुकूल है। इस दिन मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। बलराम जयंती धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। बलराम जयंती का दिन भारतीय समाज में विशेष रूप से किसानों और कृषि कार्यों से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। भगवान बलराम को हलधर कहा जाता है, जो कि कृषि और शक्ति के देवता माने जाते हैं। इस दिन हल, कृषि उपकरण की पूजा की जाती है और किसान अपने खेतों में अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसके अलावा बलराम जी की पूजा से मनोबल और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह पर्व शक्ति, समर्पण और धार्मिकता का प्रतीक है। बलराम जयंती के दिन क्या करें? भगवान बलराम की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और राधा जी का भी पूजन करें। इस दिन हल से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है।
बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करें। भगवान बलराम से शक्ति, धैर्य और समृद्धि की कामना करें। बलराम जयंती भारतीय समाज में धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। 2024 में बनने वाले विशेष संयोगों के कारण इस बार की बलराम जयंती और भी शुभ मानी जा रही है। विभिन्न राशियों पर इस दिन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हर किसी को बलराम जी की पूजा और उपासना करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।